भाई साहब इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस बाय रणदीप हुड्डा सब अपनी जगह सही है, लेकिन इस बंदे की एक्टिंग ने बाप लेवल का गूज़बम्प्स और चार चांद लगा रही है। दोस्तों कड़क माल आ रहा है, ट्रेलर रिलीज हुआ है, स्वतंत्रता वीर सावरकर का बाप लेवल का ट्रेलर है, क्योंकि रणदीप हुड्डा ने फाड़ डाला है भाई। दुख इस बात का है कि इस मूवी की कोई हाइप नहीं है, बिलियन डॉलर हिस्टोरिकल कॉन्टेंट हमें यहाँ मिलने वाला है, जिससे बहुत कुछ छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। एक ऐसा लीडर देखने को मिलेगा जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी ला सकता है, अगर आप लीडरशिप क्वालिटी पर काम कर रहे हो तब। और भी बहुत कुछ ट्रेलर आया है, रिव्यू करेंगे ऑनेस्टली, क्या हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितना प्रॉमिसिंग ये ट्रेलर है, कितना कुछ ये मूवी में हमें दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स भी घुसेगी और किस हिसाब तक की घुसेगी वो तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर से मोटा मोटा पता चल रहा है कि थोड़ा सा डर्टी पॉलिटिक्स भी घुस रही है। वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन भाई एंटरटेनमेंट के पर्पस से, इन्फॉर्मेशन के पर्पस से ये मूवी किस हद तक होने वाली है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, दिस इज टू मच। ट्रेलर से मोटा मोटा जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से एक राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ही मिले और एक हिस्ट्री का वो एंगल पता चले जो आज तक हमें ना पता हो। लेकिन दूसरी तरफ ये बायस और नॉन बायस की बात तो चलती ही रहेगी, ये सब अपनी जगह है, ये पॉलिटिकल एंगल का घुसेना ये सब अपनी जगह है, डर्टी पॉलिटिक्स। अभी जब ये ट्रेलर आया है तो इसके बाद बहुत सी कुछ बातें अभी निकलने वाली हैं, कोई कांग्रेस को हेट करेगा, कोई बीजेपी को हेट करेगा, कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा, और कोई यहाँ तक भी बोलेगा कि ये प्रोपेगेंडा है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और इस टाइम पर ये कांग्रेस को नीचा ही दिखाना चाहते हैं, मतलब बहुत कुछ बातें ऐसी निकलती रहेंगी। लेकिन ये सारी बातें भाई अपनी जगह है, ये पॉलिटिक्स साला डर्टी पॉलिटिक्स ही रहेगी, चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लो चाहे आप अभी की बात कर लो, ये ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी अलग है। फर्स्ट एंटरटेनमेंट के पर्पस से ये दमदार होनी चाहिए, देन उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिले वो बहुत ही राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन के साथ मिले, ऐसा नहीं कि इसके साथ कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो, छेड़खानी हो, तो फिर क्या फायदा। क्योंकि हिस्ट्री का वो एंगल यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वीर सावरकर को एक वो शख्स हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वतंत्रता दिलाने में, अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, और उस हिसाब का हमें वो बायोपिक देखने को मिल जाए जहां से बिल्कुल भी छेड़खानी ना हो, क्योंकि पॉलिटिक्स उस समय भी चलती थी बिल्कुल। यहां पर ट्रेलर में दिखाया गया है कि कांग्रेस वाले ये नहीं कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो किस लेवल की पॉलिटिक्स उस समय होती थी और जो आज से बिल्कुल कनेक्ट कर जाएगी, बीजेपी एंड कांग्रेस वॉर जो चलता है। खैर इस पे और कोई बात मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हिस्ट्री में क्या हुआ था भाई इसको जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। डिटेलिंग पे अगर बहुत ज्यादा काम हो गया तो भाई मूवी में मजा आ जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई बार डिटेलिंग पे इतना ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन इस ऐसे बायोपिक वाले हिसाब किताब की मूवीज में डिटेलिंग पर बहुत ज्यादा काम होता ही है। उनके बारे में जानने को मिलेगा कैसे एक लीडर बना है और वो लीडर कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, कैसे दिशा निर्देश कर रहे हैं लोगों का भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो ये सारी चीजें वहां देखने को मिल जाएगी, ट्रेलर प्रॉमिसिंग है। दूसरा, रणदीप हुड्डा की इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस ने भाई दिल जीत लिया है। व्हाट अ एटीट्यूड, और ऐसा हार्ड एटीट्यूड एज ए लीडर दमदार है भाई, क्योंकि जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है रणदीप हुड्डा के द्वारा वो एटीट्यूड के साथ, जो भाई गॉड भाई गूज़बम्प्स दे रहा है, तो भाई इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन तो दमदार मिल जाएगा। साथ में जो पॉलिटिक्स चलेगी वो अपनी जगह अलग है, खैर पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करेंगे। ट्रेलर इज प्रॉमिसिंग, मच प्रॉमिसिंग है। कब आएगी ये मूवी? 22nd of March को वेट करते हैं। बाकी अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो जाके जरूर देखो और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना, क्या है क्या नहीं है, कितना कुछ मिल जाएगा जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।